नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं इंटरनेट टिप्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप जो है अपनी बुक में या फिर किसी भी पेपर पे लिखे टेक्स्ट को विदाउट स्पीच टू टेक्स्ट वाली एप्लीकेशन के और बिना लिखे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर या फिर नोट्स में किस तरह से राइट कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो जो है उन सभी लोगों के लिए फायदेमंद है जो अपनी वेबसाइट चलाते हैं या फिर किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, मैं आज जो है आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था अल्ट ऑफ टाइम का और ये स्क्रीनशॉट जो आप वीडियो की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये उसका पेमेंट प्रूफ है। अगर आपको भी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अर्निंग करनी है तो नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उस एप्लीकेशन का और हमारी पुरानी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जो है डिस्क्रिप्शन लिंक को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बात करता हूँ अपने टॉपिक की और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए इंटरनेट टिप्स चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा जिसका नाम है टैक्स स्कैनर। आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक को इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। अगर दोस्तों आप गूगल प्ले स्टोर पे ये सर्च करते हैं तो आपको जो है बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, लेकिन उनमें जो है ये ऑप्शन जो है सभी नहीं मिलते हैं अपनी लैंग्वेज को मैनेज करने का या फिर और अदरवाइज जो ऑप्शंस इस एप्लीकेशन के अंदर है वे भी आपको नहीं मिलते हैं। अगर आप करना चाहते हैं गूगल प्ले स्टोर से तो आप वहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप इस एप्लीकेशन को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको जो है इसको ओपन करना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ओपन करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एप्लीकेशन है 100% रियल और जेन्युइन है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, आप वीडियो की स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं करूंगा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं टेस्ट स्कैनर को जो है ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस ठीक इस प्रकार का दिखाई देगा जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे स्टार्टिंग में ही, एक तो गैलरी का और कैमरे का। आप चाहे तो अपनी गैलरी से भी किसी भी इमेज को उठा सकते हैं या फिर अपने कैमरे से किसी भी बुक्स का या फिर नोट का जो है आप आसानी से फोटो कैप्चर करके यहाँ पे पूरा टेक्स्ट लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप हिंदी टेक्स्ट को यहाँ पे नोट्स करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको एक सेटिंग करनी होगी। सेम बाकी प्रोसेस ऐसी है, लेकिन आपको हिंदी लैंग्वेज कैसे सेलेक्ट करना है उसके बारे में बात करते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ऊपर ही आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, आप सिंपली उस पर क्लिक कर लेंगे। मैं यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सबसे ऊपर ही आपको मैनेज लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है। तो सीधे दोस्तों मैंने मैनेज लैंग्वेज के ऑप्शन पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे आपको सारी लैंग्वेजेस मिल जाती है। अगर दोस्तों आप किसी अदरवाइज लैंग्वेज में भी अपने मतलब बुक के टेक्स्ट को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं स्कैन करके तो आप जो है यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे हिंदी में करके आपको दिखाने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूँ और स्क्रॉल करने के बाद मुझे यहाँ पे जो है हिंदी जो है दिखाई दे गई है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके हिंदी को इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये बोल रहा है हिंदी लैंग्वेज पैक जो है आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। तो मैं यहाँ पे दोस्तों इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करके इसको 100% प्रोसेसिंग के साथ में इंस्टॉल कर लेता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज जो है इंस्टॉल्ड हो चुकी है और अब आप यहाँ से किस तरह से अपने बुक को या फिर किसी भी नोट्स पेज को स्कैन करके यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों मैं बैक करता हूँ और बैक करने के बाद दोस्तों सिंपली मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ कैमरे को। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मेरे पास एक बुक है और बुक को दोस्तों मैं यहाँ पे एक फोटो मतलब ले लेता हूँ, एक फोटो कैप्चर कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरह से फोकस करके कैमरा जो है मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ। मतलब यहाँ पे मैंने इमेज ले लिया है और अब जो है हमें यहाँ पे मतलब ओके के बटन पे क्लिक करना होगा और ओके के बटन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश में या फिर हिंदी में है तो आप यहाँ पे मतलब चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हिंदी का जो पैक है वो इंस्टॉल किया था, मैंने यहाँ पे जो है हिंदी सेलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे गॉट इट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अगर दोस्तों आप जो है मतलब यहाँ पे मतलब इस पेज में से भी कुछ कम टेक्स्ट को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो इस तरह से कर सकते हैं।
जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है अभी फिलहाल, तो मैं यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ग्रेव मतलब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेव इमेज टैक्स पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद दोस्तों ये कुछ ही सेकंडों में आपको इस टैक्स को आपके पेज में लिख देगा, और फिर जो है आप यहाँ से इस मतलब जो भी आपने यहाँ पे स्कैन किया उसको आसानी से कॉपी करके कहीं पे भी पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फिलहाल ये प्रोसेसिंग जो है आपके इंटरनेट स्पीड पे निर्भर करती है। तो यहाँ पे हमारा टैक्स हो चुका है दोस्तों कंप्लीट। तो यहाँ पे दोस्तों मैं क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा टैक्स यहाँ पे आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे कॉपी करने की अगर हम बात करें तो सिंपल आपको ऊपर भी बटन मिल जाता है कॉपी करने का, आप इस पे क्लिक करके इसको सिंपल टाइप से कॉपी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि हम अपने गैलरी में पड़े किसी भी फोटो के टेक्स्ट को यहाँ पे किस तरह से लिख सकते हैं। तो उसके लिए भी दोस्तों मैंने एक फोटो जो है यहाँ पे कैप्चर करके रखा है, जैसे कि आप यहाँ पे गैलरी वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों आप उस इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे जिस इमेज का टेक्स्ट जो है आप यहाँ पे करना चाहते हैं स्कैन। तो सिंपल टाइप मैंने ये मतलब जो है यहाँ पे ले लिया है मतलब ये इमेज, और इमेज लेने के बाद दोस्तों मैंने इसको जो है इतना टैग्स अगर मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ तो इतना ही क्लिक करूंगा, ग्रैब मैसेज टैग्स के बटन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे थोड़ी प्रोसेसिंग के बाद फिर से ये टैग्स जो है आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहां पे देख पा रहे हैं कि इस फोटो से भी हमारा टेक्स्ट जो है यहां पे कम्प्लीटली आ चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी नोट्स में या फिर बुक में या फिर किसी भी इमेज से जो है लिखे गए टेक्स्ट को यहां पर ला सकते हैं, और इस पे क्लिक करके किसी भी बी मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आगे भी इस प्रकार की वीडियोज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द अपने चैनल की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।